अरे तुम यहाँ इस वक्त और इस हालत में अंदर आ, क्या हुआ? क्या हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया? तो फिर यहाँ कैसे पहुँचे तुम? ओहो बेफिक्र रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नरेश बैठो, तुम भी ना कमाल के आदमी हो। इस हालत में तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और तुम उतना ही स्ट्रेन डाल रहे हो। अरे तुमसे मिलने में स्ट्रेन कैसे? हाँ तुम्हें देखकर तो सारे दुख दर्द भूल जाता हूँ मैं। रफू चक्कर एकदम हो गए। तुम भी ना एक नंबर के प्लेबॉय हो। लड़कियों को कैसे फ्लैटर करते हैं ये अदा तो कोई तुमसे सीखे। एक्सपर्ट हो गए हो, है ना? या यार कॉम्प्लीमेंट दिया तो वो भी नेगेटिव। यहाँ क्यों है? नर्सिंग होम में पड़े पड़े जी घबरा रहा था। दिन चाह रहा था कि किसी अपने से बात करें और वो तुम्हारे अलावा और काम हो सकता था। बाकी सब तो मेरे दुश्मन हो गए, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब तो मुझे सिर्फ तुम्हारा सहारा है, सिर्फ तुम्हारा। नरेश जब मैं नहीं थी तब तुमने ऐसे कितने सहारे बना लिए थे? एक भी नहीं। सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम। बस ठीक है, लेकिन अगर नरेश मुझे ये पता चला कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और औरत भी है तो जीते जी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। एग्री, लेकिन मेरी भी एक शर्त। बोलो। जिस तरह मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही तुम होगी उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। मेरा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, फिर चाहे वो भाई हो या बहन। ओके ओके। दो जिस्म एक जान। नेचुरली ये हुई ना बात। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर से सिंह साहब। अच्छा एक मिनट, आपका फोन। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। कहाँ ना अभी? ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ। या आल भी दे। क्यों बुलाया? पता नहीं, ड्रग्स केस के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। अरे तो फोन पे भी तो कर सकते थे। पुलिस इंक्वायरी फोन पर नहीं होती है, मुझे जाना पड़ेगा। आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ओह शिट, इसे छुपाने की क्या बात है, रूटीन इंक्वायरी है, मैं बस गया और आया। मतलब सीरियस? तो फिर आपके चेहरे पे ये टेंशन क्यों है? मुझे पुलिस और पुलिस स्टेशन के माहौल से डर लगता है। पानी पानी हो जाता हूँ जब मैं उस माहौल में जाता हूँ। क्या करूँ, मैं बस ज्यादा देर नहीं रुक सकता, बस गया और आया। जब आप जा ही रहे हैं तो नरेश का नाम ले लीजिएगा, हिचकिचाइएगा नहीं। नहीं करूंगा, नाम लेने से कुछ भी नहीं होगा। गुनाह साबित करने के लिए सबूत चाहिए, सबूत, और सबूत के लिए गवाह। पर आप गवाह लाएंगे कहाँ से? पहले मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, उसके बाद अपने पैकिंग स्टाफ से पूछताछ करूंगा, उसका गोडाउन स्टाफ से, और खास तौर से सुपरवाइजर मधुकर। मधुकर की गवाही ही हमें मुजरिम तक ले जाएगी। मैं चलता हूँ। Good luck. Thank you. I need it very badly. अपना ख्याल रखिएगा। Don't worry. Bye. I'm sorry, Mr. Ashok. मैं मजबूर हूँ। मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। क्या कह रहे हैं आप? गिरफ्तार मुझे? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? सिंह साहब आपको गलत फहमी हो रही है। मैंने सपने में भी कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। I am a very law-abiding citizen. Please, come on, please. आपके गोडाउन के सुपरवाइजर मधुकर ने आपका नाम लिया। नामुमकिन, नामुमकिन सिंह साहब। वो आदमी ऐसा कह ही नहीं सकता। वो एक अच्छा आदमी है और वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। वो ऐसा घिनौना झूठ बोल ही नहीं सकता। हवलदार, सुपरवाइजर को बुलाओ। क्या कह रहे हैं? मिस्टर अशोक मल्होत्रा, आप उससे सवाल जवाब नहीं कर सकते। आपकी तसल्ली के लिए मैं उससे सवाल जवाब करूंगा। लेकिन सिंह साहब, प्लीज सिट डाउन।
पानी, ग्लास ऑफ वाटर। हवलदार पानी दो। ट्रक में एक खास किस्म के सफेद रंग के पाउडर के कुछ पैकेट आने वाले थे। उसे एहतियात से निकालकर गोडाउन के किसी कोने में छुपा देना, इसके लिए तुम्हें हुक्म किसने दिया? जी वो इन्होंने। कभी ये मक्कार झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है, सब बोल रहा है, ये नफ़सत। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। कोई गुनाह नहीं किया, मैं कोई गुनाह नहीं किया। नमस्ते जी, मैं मिसेस अशोक मल्होत्रा से मिलना चाहता हूँ। जी मैं ही मिसेस अशोक मल्होत्रा हूँ, कहिए। देखिए मैं पुलिस हेडक्वार्टर से आया हूँ, मेरा नाम आरपी सिंह है। अच्छा अच्छा, आप ही हैं सिंह साहब, प्लीज़ आइए। लेकिन अशोक जी तो आप ही के पास गए थे, पहुँचे नहीं अब तक। मिसेस मल्होत्रा, मैं आपको बुरी खबर देने आया हूँ। बुरी खबर? ये आप क्या कह रहे हैं? कहीं अशोक जी को कुछ हो तो नहीं गया? प्लीज़ जल्दी बताइए मुझे। आपके गोडाउन के सुपरवाइजर मधुकर ने इस ड्रग कंसाइनमेंट में आपके खाविन को जिम्मेदार ठहराया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अशोक जी तो सपने में भी ऐसा जुर्म नहीं कर सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, कानून शक का नहीं, सबूत का अधीन है। और फिर आपके अपने सुपरवाइजर की गवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो झूठ बोल रहा है सिंह साहब, सरासर झूठ बोल रहा है। अशोक जी ऐसे कभी भी नहीं कर सकते। मधुकर ने जब उनके सामने उनका नाम लिया तो उन्होंने एक और संगीन जुर्म किया, उसको इस बेरहमी से मारा कि उन पर कातिलाना हमले का इल्जाम लगा है। पर अब वो लॉकअप में है। भगवान, इसलिए सुबह जब ये निकले तो मेरा दिल धड़क रहा था, मैं क्या करूं? आई एम सॉरी मिसेस मल्होत्रा, अशोक मल्होत्रा से मुझे भी हमदर्दी है, इसीलिए खुद खबर देने आया हूं। आप जमानत का इंतजाम कर लीजिए। अच्छा तो मैं चलता हूं। हेलो कमला, देवयानी कहाँ है? नहीं है घर पे। अरे तू कहाँ गई है ये भी नहीं मालूम। हेलो बरखा, बरखा क्या बात है दीदी, बोलो ना क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं बरखा, सर्वनाश हो गया है। तेरे जीजू को पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया है। क्या जीजू लॉकअप में? लेकिन उन्होंने किया क्या है? ड्रग्स के केस के सिलसिले में उस नमक हराम लॉकर ने तेरे जीजू का नाम ले लिया है। मधुकर ने नाम ले दिया जीजू का? हद हो गई नमक हरामी की। दीदी सबर से काम लो और प्लीज ये रोना धोना बंद करो। नरेश यही है, मैं उन्हें भी भेजती हूँ, वो जीजू को दो मिनट में छुड़वा लाएंगे। नरेश भैया वहाँ है? तेरे घर में? कैसे? दीदी सब कुछ मिलने पर बताऊंगी, ठीक है? लो नरेश से बात करो। अरे डोंट वरी, नरेश का खून अभी सफेद नहीं हो गया है कि उसका भाई किसी मुसीबत में आ जाए और वो खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहे। नरेश भैया आप छुड़ाएंगे इन्हें? इसका मतलब आपने ये पाप नहीं किया है? जरा तो कॉमन सेंस यूज करो भाभी। अगर मैंने किया होता तो मैं उन्हें छुड़ाने की बात सोचता, बल्कि मैं तो खुश होता कि चलो मेरे सर से तो बला गई, मैं तो बच गया। भाभी प्लीज, आपके दिल में मेरे लिए जो भी गलत फहमियां हैं उन्हें हम निकाल फेंकते, अपना समझो मुझे अपना।
तो पिता ने हमारा घर देख लिया है, अब मिलजुल कर ही उसका सामना हो सकता है भाभी। I'm sorry नरेश भैया, मैंने आपको गलत समझा था। कोई बात नहीं भाभी, इट्स नेवर टू लेट। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। मुझ पर भरोसा रखिए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाइए, हम हर तूफान का रुख बदल लेंगे भाभी। अच्छा मैं चलता हूँ, भैया के पास जा रहा हूँ, देर हो रही है। ठीक है नरेश भैया, अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, प्लीज अब आप जाइए, इन्हें छुड़ा कर ले आइए। ओके बाय बाय। हे भगवान दया करो, दया करो हम बंदे सुखों पर। देख मेरे भाई, मेरे को कहां अंदर डाल दिया। भैया मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा, क्या ठीक हो जाएगा भैया? आप आपने ये क्या सितम ढा दिया? ये सब बाद में पूछना, मुझे पहले यहां से बाहर निकाल, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, शर्म के मारे मैं मर जाऊंगा। भैया भैया मैंने कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप तो हमेशा मुझे कहा करते थे कि गुस्से पे काबू रखो, फिर आज आप किसी की जान लेने पे कैसे उतारू हो गए? नरेश तू तो जानता है कि मैंने कभी चीटी पर भी पैर नहीं रखा, उस हरामजादे ने मुझे अपराधी कहा, ढक्कन सही में का इल्जाम लगाया मुझ पर, मैं पागल हो गया था, बेकाबू हो गया था। सोच सोच नरेश, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं भैया, मैं जानता हूँ कि आप ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन मामला बहुत गंभीर हो चुका है। मधुकर अस्पताल में उसकी हालत बहुत सीरियस है, कहीं मैं मर गया तो आप पर मर्डर का चार्ज भी आ सकता है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मेरे भाई? आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। ये क्या? आपकी रिहाई की जमानत। मैं समझा नहीं भैया, मैंने करुणा भाभी से भी बात कर ली है, हमें जाति झगड़ों को भुलाकर इस मुसीबत का सामना करना है, एक ही मकसद एक ही मंजिल है हम सबकी, आपको इस कलंक से बाहर निकालना, और उसकी खातिर भाभी ने मुझे वचन दिया है कि आप सब मेरा भरोसा करेंगे, जैसे मैं कहूंगा वैसे ही करेंगे। करुणा ने कहा है? हाँ, इसीलिए मैंने जो दूसरी विल का दावा किया था वो मैं वापस ले रहा हूं, आप भी इस पर दस्तखत करके मेरे ऊपर जो धोखेबाजी का मुकदमा है उसे वापस ले लीजिए, ताकि पूरा परिवार एक होकर आपकी मदद कर सके। भैया भैया प्लीज जल्दी सेंड कीजिए, ज्यादा वक्त है नहीं। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू मेरा भाई है ना। जनाब चंद्रमोहन खन्ना, हमारा प्लान सफाई से कामयाब हो गया। क्यों, मैंने कहा था ना एकदम सफाई से निकाल लूंगा, फिर गई ना टोपी। नरेश साहब दाव पेज कानून के भी गुरु हैं और हम उसके एक्सपर्ट। मिला ये हाथ, एक मिनट एक। मेरे लिए खड्डा खोदने वाला खुद खुशी से उस खड्डे में गिर गया। हाँ, अब भरोसा जमाने के लिए उन्हें कैसे छुड़ाएंगे? राइट। उसके बाद एक लंबी यात्रा, एक लंबा सफर, उस सफर में कोई वापसी नहीं होगी, और अगर होगी भी तो जीरो बनकर। और नरेश मल्होत्रा की पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होगा। राइट, दैट्स राइट। अब तुम्हारा अगला शिकार है हरीश भाई। टारगेट टारगेट। वहां भी लोहा गरम है, ड्रग्स का मामला है ना। अरे उसका कोई भी साथी उसकी मदद करेगा तो कानून का शक उस पर भी जाएगा, इसलिए कोई भी आगे आकर उसकी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, जमानत भी नहीं हो रही है। बौखला रहा है, यही वक्त है, हथौड़ा मारो लोहा पतरा हो जाएगा, फिर जैसा कहोगे वैसा करेगा। राइट राइट। अच्छा नाटक के सारे डायलॉग्स याद हैं कि नहीं? बिल्कुल याद हैं। Then let's go and strike. Time is money. Let's go. Let's go. कोई नहीं आया, कोई साला नहीं आया मेरी मदद करने को। अरे जमानत के लिए भी कोई नहीं आया। चीत, कैसी दुनिया है बोलो।
आइडिया की बात नहीं है भाई, ड्रग्स का मामला ही ऐसा है, जो सामने आएगा फंस जाएगा। वो तो तुमने मेरे बुरे वक्त पे मेरी मदद करनी चाहिए थी, इसलिए मैं इतना बड़ा रिस्क लेकर आया हूँ। तुम्हारे एहसान है ना मुझ पर, वो उतारने आया हूँ। अरे उतारो उतारो, मैं तुम्हें इसका बदला दूंगा और बाहर आकर बाकी सबकी खटिया खड़ी कर दूंगा। मालिक की कसम, किसी हरामजादे साथी को नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम देखना। देखेंगे तो तब जब तुम बाहर आओगे ना। क्या मतलब, तुम भी मेरे लिए कुछ नहीं करोगे? नहीं नहीं, मैं तो जान लड़ा दूंगा। अरे दोस्त के लिए जान लड़ा दूंगा मैं, पैसा पानी की तरह बहाऊंगा, वो फिक्र मत करो तुम। पर करना तुम्हें वही होगा जो मैं कहूंगा। बात करूंगा ना भाई, बिल्कुल करूंगा। अरे दोस्त की बात नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा? बोलो क्या करना है? अपना जुर्म कबूल कर लो। बड़ी सजा से बचने का यही तरीका है। क्या बात करते हो नरेश भाई, लंबा अंदर हो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, लंबी नहीं, तुम्हें कम से कम सजा हो उसके लिए बस यही एक रास्ता रह गया। लेकिन नरेश भाई, भाई भी कहते हो और भरोसा भी नहीं करते। ऐसा मत बोलो, नरेश भाई पर मुझे पूरा भरोसा है। तो फिर मान लो हमारी बात। क्या बात करते हो? पैसा खर्च किया तुम्हारे वास्ते। ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा है। जैसा आपका कहना है कि क्योंकि ड्रग्स का मामला है, तुम्हारा रिकॉर्ड भी क्रिमिनल रहा है, तो तुम्हें एकदम छोड़ तो नहीं सकते। 4-6 महीने की सजा। 4-6 महीने बस? हाँ। अगर सरकारी वकील तुमसे पूछे कि तो ये काम तुमने किसकी मर्जी से किया, किसी गैंग मैन का नाम ले देना। किधर दस्तखत करने हैं बताओ। गुड, ज्यादा करके तो 4-6 महीने भी तुम्हें अंदर रहना नहीं पड़ेगा। एक आध महीने के बाद में बीमारी का बहाना करके अस्पताल, वहां तुमने घूमने फिरने की खाने पीने की पूरी छूट होगी और यहाँ 4-6 महीने तो यूं निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश भाई, तुमने मुझ पर बहुत पैसा लगा, घबराना नहीं, सब वापस कर दूंगा मैं। अरे पैसे की क्या बात करते हो, दोस्त को दोस्ती से तोला जाता है, पैसे से नहीं। हाँ अच्छा, हम लोग चलते हैं। जो जो सरकारी वकील से अपॉइंटमेंट है। हाँ 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 हाँ, जाओ। जज साहब को मेरा सलाम बोलना जरा। हाँ बोल दूंगा बोल दूंगा। बाय बाय बाय। 4-6 महीने 4-6 महीने तो ऐसे गुजर जाएंगे। चंदर, फिल्म उपकार में बहुत बढ़िया डायलॉग था, तोता मिर्ची कहा गया। जिस प्यार से उसने साइन किए, चलिए अशोक साहब, आपकी जमानत हो गई, आप घर जाइए। दीदी रोना बंद करो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। क्या पता क्या होगा बरखा,